खाद्य तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब खाद्य तेल सस्ते होने की उम्मीद की जा रही है। जी हाँ, देश में खुदरा खाद्य तेल की कीमतें नई फसल आने और वैश्विक कीमतों में संभावित गिरावट के साथ दिसंबर से नरम होनी शुरू हो जाएंगी। खाद्य सचिव ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। भारत अपनी जरूरत के 60% खाद्य तेलों का आयात करता है। वैश्विक घटनाक्रम के चलते देश में खाद्य तेल की खुदरा कीमतें पिछले एक साल में 64% तक बढ़ चुकी हैं। खाद्य सचिव का कहना है कि वायदा बाजार में दिसंबर महीने में डिलीवरी वाले खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के रुझान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि खुदरा कीमतों में गिरावट शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई नाटकीय गिरावट नहीं होगी क्योंकि वैश्विक स्तर पर दबाव बनता दिखाई देगा। खाद्य सचिव का कहना है कि नई फसलों की आवक और वैश्विक कीमतों में संभावित गिरावट से खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में नरमी आने में मदद मिलेगी। घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में तेज वृद्धि की वजह बताते हुए खाद्य सचिव ने कहा है कि एक प्रमुख कारण ये भी है कि कई देश अपने खुद के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए जैव ईंधन नीति को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ी हैं और साथ ही उदाहरण के तौर पर मलेशिया और इंडोनेशिया, जो भारत को पाम तेल के प्रमुख सप्लाई करने वाले देश हैं, अपनी जैव ईंधन नीति के लिए पाम तेल का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका भी सोयाबीन का जैव ईंधन बनाने में इस्तेमाल करने में लग गया है। भारत में ज्यादातर पाम तेल और सोयाबीन तेल का प्रमुख रूप से आयात किया जाता है। भारतीय बाजार में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 30 से 31% तक है, जबकि सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 22% है। ऐसे में विदेशों में दाम बढ़ने का असर सीधा घरेलू बाजारों पर पड़ता है। साथ ही खाद्य मंत्री का ये भी कहना है कि पिछले सप्ताह सोयाबीन तेल की वैश्विक कीमतों में 22% और पाम तेल में 18% की वृद्धि हुई थी, लेकिन भारतीय बाजार पर इसका प्रभाव 2% से भी कम देखने को मिला है। खाद्य सचिव ने ये भी बताया है कि भारत सरकार ने खुदरा बाजारों में कीमतों को स्थिर रखने के लिए अन्य कदमों के अलावा आयात शुल्क में कटौती जैसे कई उपाय किए। सरकारी आंकड़ों की माने तो 3 सितंबर को पाम तेल की खुदरा कीमत 64% बढ़कर 139 रुपए हो गई है, जो एक साल पहले 85 रुपए प्रति किलोग्राम पर देखने को मिली थी। इसी तरह सोयाबीन तेल का खुदरा मूल्य 51% बढ़कर 155 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है और वह पहले 102.05 रुपए प्रति किलोग्राम था, जबकि सूरजमुखी तेल का खुदरा मूल्य 46% बढ़ा है और बढ़कर 175 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है, जो एक साल पहले 120 रुपए प्रति किलो था। यानी एक साल के अंदर सभी खाद्य तेलों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खुदरा बाजारों में सरसों तेल की कीमत 3 सितंबर को 46% बढ़कर 175 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है, जो कि एक साल पहले 120 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई थी। हालांकि खाद्य सचिव का कहना है कि सरसों का उत्पादन बढ़ा है, फिर भी अन्य खाद्य तेलों से संकेत लेकर कीमतों में फिलहाल मजबूती देखने को मिल रही है। और वहीं साफ्टा समझौते के तहत नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते किसी तीसरे देश के तेल को यहां लाने के बारे में उन्होंने कहा है कि यह चिंता उठाई गई है और इस मामले को दोनों ही देशों के समक्ष उठाया गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार देश में नवंबर 2020 और जुलाई 2021 के बीच 93,70,147 टन खाद्य तेल का आयात किया गया था। बहरहाल खबरें निकल कर आ रही है कि अब खाद्य तेल की कीमतें दिसंबर के अंदर नीचे जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।